खूबसूरत जगह है। मैं बारह आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती बानो, इतना बड़ा मोती देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिजर फिराक का दर्द नजदीकी और गुर्बत के अजाब से कहीं ज्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जू जू वक्त गुजरता जा रहा है, उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चले। इजाजत दें तो चंद रोज और गुजार लें, अगर मौसर साबित ना हुआ। टिप्स वापस चलेंगे, कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कसर में जगह जगह खड़ी होकर हसरत यासर युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं,
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनूदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनकना पड़े। आपको इत्मीनान दिला के लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानू। शुक्रिया युजासी। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजार सिर्फ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफर में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजासिफ। हाँ अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई खास बात नहीं हुई माँ, सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकाना जो जबूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ असलाहत की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुज़ूर। आपकी तमाम ज़हमत काबिले क़द्र हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसान मंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपास गुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइत्तनाई। नहीं बानो,
गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब और एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूजार सीफ ने आपसे अदब और एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब और एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो, मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानू, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानू इजाजत मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेतनाई और गुरूर को तवाज़ु और फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए, मेरी मुट्ठी में है। नेमे साबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हस्ती बोलती रही अच्छी रही, जब उनका रवैया तल्ख हुआ हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामून के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ गद्दों का इंतजाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लो। वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ, शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नजर रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नजर रखना। कोई खास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूं, खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं, कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है, जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खाताकार नहीं। खाता तो जनाबी युजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं, मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीमी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है, जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन
लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहां होते, वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? योजार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं, अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का तुम पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताबखानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाजत हो तो रोजमर्रा उमूर की गुजारिश शायद आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाए। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम एहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। तंगी को अगर सर पर दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और आपले एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही है।
यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़का कर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजार सीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फर्ज था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाजत फरमाए तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। कसम, तुम्हें आम दुरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो, जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूं। कोई बात हो गई है? युजार सीफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युजार सीफ की शर्महया के बाइस है। वो अब बचा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उसे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और युजार सीफ का रवैया खैर मामूली था, कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ, कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। खुदाबंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौजीफात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, यह सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तजा करता हूं कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा,
कहीं ऐसा ना हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी ना हो। छोड़ देती। माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिन आजम आख माहो और जनाबे पुतिफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नजदीक से देखे। अगर यूसार सीख के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुझसे निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का ख़तरा पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूँगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फ़िक्रमंद हूँ, वो आपके ईमान को नुकसान पहुँचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं, तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए। और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं यूसुफ आसिफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा। मशवरा देना चाहती हूँ, सुनेगी? आप भी यूसार सिफ की तरह खुद अपने खुदाओं से रुझू क्यों नहीं करती? क्यों आमून बुजुर्ग से इसका कोई हल तलब नहीं करती? दुरूद बर बानो हुजूर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं।